और अब बात युद्ध की, युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने इफ्तार पार्टी में क्राइमिया को क्रेमलिन से मुक्त करने की कसम खाई। और इसी पार्टी में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना के जवान, मुस्लिम नेताओं और राजदूत से मुलाकात की। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में ज़ेलेंस्की की नई कसम। ज़ेलेंस्की ने बदला युद्ध में प्लान। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की के इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेन की सेना के मुस्लिम अधिकारी, नेता और राजदूत शामिल हुए। लेकिन इस इफ्तार पार्टी में ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर रूस के कब्जे का मुद्दा उठा दिया। Так само, як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави, всієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів. ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया में मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाले बर्ताव की आलोचना की और क्राइमिया को क्रेमलिन से मुक्त कराने की कसम खाई। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने क्राइमिया को धोखे से कब्जा किया, लेकिन अब वक्त आ गया है जब रूस को सबक सिखाया जाए। रूस ने 27 फरवरी 2014 को क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद 16 मार्च 2014 को क्राइमिया में जनमत संग्रह कराया गया। 21 मार्च 2014 को रूस ने अनौपचारिक रूप से क्राइमिया को अपना हिस्सा बताया। हालांकि यूक्रेन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। अब इफ्तार पार्टी के बहाने ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर क्रेमलिन के कब्जे का मुद्दा दोबारा उठा दिया और मुसलमानों के साथ क्राइमिया में हो रही ज्यादती का जिक्र किया। Хай іфтар дасть розраду кожному у світі мусульманській спільноті, де б не довелося бути зараз. ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को लेकर मुस्लिम देशों से मध्यस्थ बनने की अपील की, साथ ही उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो लोग युद्ध में उनके साथ हैं। ज़ेलेंस्की ने खास तौर पर तुर्की और सऊदी अरब सहित कई देशों को यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ के रूप में पेश किया। मतलब ज़ेलेंस्की जंग में दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने का मन बना चुके हैं। एक मोर्चे पर वो रूस के हमलों का जवाब दे रहे हैं, जबकि दूसरे मोर्चों पर उन इलाकों को मुक्त कराना है जिन पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के बाद चीन बौखला गया है और वो अब सीधे ताइवान और अमेरिका को ललकारने लगा है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। वहीं ताइवान स्ट्रेट में चीन ने ऐसी हरकत की जिससे लगा कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने वाला है। वो महायुद्ध दुनिया के दो सुपर पावर के बीच होने वाला है। इनके लिए चीन की सेना सजने लगी है और अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें थनने लगी हैं। अगर चीन और अमेरिका से ऐसा युद्ध शुरू हो गया तो फिर सोचिए मंजर क्या होगा। इस युद्ध के आगे यूक्रेन युद्ध में हुए विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में घुसने की हरकत की, जिससे लगा कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। चीन के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया। चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसके घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी कर दी। ताइवान की नौसेना के मुताबिक चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत ताइवान की सीमा के बेहद करीब आ गए थे। इनमें चीन के सबसे आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। ताइवान ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया और उसकी सीमा की तरफ बढ़े। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है।
मतलब चीन ने ताइवान की सीमा के करीब इतना बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया जिसकी धमक अमेरिका तक सुनाई दी। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से बौखलाए चीन ने ये शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। चीन साफ तौर पर संदेश देने वाला है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 20 लाख सैनिकों वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और वो अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है और अपनी सेना को सर्वशक्तिमान करने में जुटा है। वहीं चीन की ताकत की बात करें तो चीन की मिलिट्री के पास 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 1,200 लड़ाकू विमान हैं, चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, 5,250 टैंक, 35,000 बख्तरबंद वाहन, 4,120 आर्टिलरी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की है तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया है वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। पर इन सब के बीच में अमेरिका खड़ा है जिसका मुकाबला चीन से होने वाला है। चीन अब यूरोप में भी धाक जमाना चाहता है और इस वजह से वो यूक्रेन रूस महायुद्ध में समझौता करवाना चाहता है। और इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा यूक्रेन जंग था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों शी जिनपिंग को मनाने पहुंचे हैं ताकि वो जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना सके। हालांकि पिछले महीने ही शी जिनपिंग ने मॉस्को का दौरा किया था और उन्होंने पुतिन के सामने जंग खत्म करने के लिए पीस प्लान भी रखा था। चीन का नया पैंतरा, यूरोप के देशों से दोस्ती, खतरे में अमेरिका की बादशाह, पुतिन को मनाएंगे शी जिनपिंग और खत्म हो जाएगी यूक्रेन की जंग। पश्चिमी देशों के नेता कई दिनों से चीन की खुशामद कर रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म करने में उनकी मदद करें। अब चीन ने भी उनके हां में हां मिला दिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन पर दबाव बनाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मैक्रों 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे थे जहां दोनों देशों के बीच कई कारोबारी समझौते हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य मुद्दा यूक्रेन जंग ही था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों शी जिनपिंग को मनाने पहुंचे थे ताकि वो जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना सके। हालांकि पिछले महीने ही शी ने मॉस्को का दौरा किया था और उन्होंने पुतिन के सामने जंग खत्म करने के लिए पीस प्लान भी रखा था और अब एक बार फिर पुतिन को मनाने की कोशिश हो रही है। शी जिनपिंग वो कर दिखाना चाहते हैं जो अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती करवाकर शी जिनपिंग अपने प्लान का फर्स्ट फेज मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी है उस टास्क को पूरा करने की जिसकी वजह से पिछले 1 साल से पूरी दुनिया परेशान है, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह कराकर यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की। पहली बात तो ये कि इसमें चीन की मंशा खुद को दुनिया में शांति कायम कराने वाले देश के रूप में स्थापित कराने की है। चीन के इस चतुराई के संकेत वो खुद दे रहा है जिसमें वो ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को शामिल करने की बात करता है। इस तरह चीन का पूरा प्रचार अमेरिका के नेतृत्व में मौजूदा विश्व व्यवस्था के सामने आई नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की है। इसमें वो बाकी की दुनिया को लुभा रहा है। ये देश देखना चाहते हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट को किस तरह संभालते हैं। हालांकि चीन का दूसरा मकसद अमेरिका को साफ संदेश देना भी है और अब उसके सामने एक और महाशक्ति है। अगर चीन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देता है तो यकीन मानिए कि चीन एक अलग ही शक्ति के रूप में निखर कर आएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की विश्वसनीयता भी मानो खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होना तय है।